आज हम आपको भारतीय इतिहास की पांच ऐसी घटनाओं व रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सदियों पुराने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। नाना साहेब का लापता होना। नाना साहेब 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को ललकारा था। विद्रोह के बाद नाना साहेब अचानक एक दिन गायब हो गए। आज भी किसी को ये नहीं पता कि उनके द्वारा लूटा हुआ खजाना कहाँ है। बताया तो ये भी जाता है कि वो खजाने के साथ नेपाल भाग गए और अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। ब्रिटिश काल से लेकर आज तक नाना साहेब और उनका वो खजाना एक रहस्य बना हुआ है। भूतों से पीड़ित कुलधरागा। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर कुलधरा नामक गांव है। आज ये गांव नाम मात्र का गांव रह गया है। 100 साल पहले इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, लेकिन एक रात अचानक 1500 लोग इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। बताया जाता है कि दुष्ट शासक सलीम सिंह द्वारा इस गांव पर लगाए गए भारी लगान की वजह से लोग गांव छोड़कर चले गए। ये लोग जाते जाते गांव को एक श्राप भी देकर गए। आज तक जिसने भी इस गांव में रहने की कोशिश की, मौत हो गई। इस वजह से इसे भूतों से पीड़ित गाँव भी कहा जाता है। महान सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय रत्न। महान सम्राट अशोक के 9 रहस्यमय रत्न आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माने जाते हैं। इतिहास के जानकारों का मानना है कि जब कलिंगा का युद्ध हुआ था तो उसमें 1,00,000 लोगों की जाने गई थी। उसके बाद सम्राट अशोक ने अपने 9 रहस्यमय रत्नों का एक गुट बनाया था। इन 9 लोगों में से हर एक व्यक्ति के पास किसी एक विषय का ढेर सारा ज्ञान था, जिसमें पर्यटन, विज्ञान और युद्ध कौशल जैसे विषय शामिल थे। आज भी इन 9 रहस्यमय रत्नों के बारे में किसी के पास पूरी जानकारी नहीं है। लामा तेनजिन की 500 साल पुरानी मम्मी। हिमालय में स्पिटी के पास घुइन नामक एक छोटा सा कस्बा है, जहां प्राचीन काल में कुद की मम्मी बनाने की संस्कृति देखने को मिलती है। इस कस्बे के एक छोटे से कमरे में 500 साल की मम्मी संरक्षित करके रखी गई है। ये मम्मी 15वीं शताब्दी के महंत सांघा तेनजिन की बताई जाती है, जिसकी त्वचा और सिर के बाल आज भी पूरी तरह से ठीक हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी एक रहस्य का विषय है। आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ताइपेई से टोक्यो जाने वाले विमान में उनके साथ क्या हुआ था। आज भी ये आजाद भारत का सबसे अनसुलझा प्रश्न है। कहा जाता है कि वो गायब होने के बाद भारत आए थे, लेकिन इस बात के सबूत किसी के भी पास नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले साधु गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। क्या पता इन अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर आप ही में से किसी के पास हो। अगर आप इन रहस्यों के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।